नमस्कार दोस्तों, नव भारती स्टडी सर्कल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रेणु वैद आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के जो टॉपिक है आपका मुख्यमंत्री की जो कार्य और शक्तियाँ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने राज्य कार्यपालिका के विभिन्न अंगों, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था राज्य कार्यपालिका, किसके बारे में बताया था, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 163 तक मिलता है, 167 तक मिलता है, वो है राज्य कार्यपालिका। और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य आते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में शासन के दो आधार हैं, नाम मात्र का अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष। हमारे भारत में नाम मात्र का अध्यक्ष राज्यपाल होता है जबकि वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है राज्य स्तर पर, जबकि केंद्र स्तर पर नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। बच्चों, वैसे ही राज्यों में वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। जो कार्य केंद्र में प्रधानमंत्री करता है वही कार्य राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो क्या क्या कार्य करता है मुख्यमंत्री, वो हम इस वीडियो में बच्चों चर्चा करेंगे। तो देखो, पहला है सरकार का वास्तविक अध्यक्ष। मैंने आपको बताया भी था ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली हमने ली है उसमें नाम मात्र का अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है बच्चों राज्यपाल। राज्यपाल के नाम से समस्त शासन चलता है और हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद होगी, लेकिन वास्तविक रूप से राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है मुख्यमंत्री। इसीलिए मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य अध्यक्ष होता है। तो सरकार का वास्तविक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है कौन, मुख्यमंत्री। उसके बाद आता है मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मुख्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री भेजता है उन्हीं को क्या करता है, मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों आवंटन, विभागों का आवंटन करना, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये कार्य देखने का काम भी कौन करता है, मुख्यमंत्री। किसको गृह मंत्रालय देना है, किसको शिक्षा विभाग देना है, किसको जल संसाधन विभाग देना है, किसको खनिज विभाग देना है, किसको सड़क विभाग देना है, तो ये सारे कार्यों की सूची जो है मुख्यमंत्री के निर्देशन में तैयार की जाती है। उसके बाद आता है बच्चों त्याग पत्र। देखो बच्चों, कोई भी मंत्री अगर अपने पद से त्याग पत्र देता है तो उनके त्याग पत्र को स्वीकार करता है कौन, मुख्यमंत्री स्वीकार करता है और किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य भी कर सकता है कौन, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। उसके बाद आता है बैठकों की अध्यक्षता। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य करता है मुख्यमंत्री। बच्चों, जो भी बैठक होगी मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये जो बच्चों तीन तरह के मंत्री होते हैं, इन तीनों तरह के मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री।
उसके बाद आता है राज्यपाल को सूचित। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्य प्रशासन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करता है। किसी भी मंत्री ने कोई निर्णय दे दिया तो उसको मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करवाता है मुख्यमंत्री राज्यपाल के निर्देशन में। तो और इसके अलावा राज्यपाल किसी भी समय मंत्री परिषद से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना मंगवा सकता है। तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि सभी प्रकार की सूचनाओं से अवगत करवाए, किसको? राज्यपाल को। तो राज्यपाल को समस्त सूचनाएं भिजवाने का दायित्व होता है मुख्यमंत्री के हाथ में अनुच्छेद 167 के अनुसार। तो राज्यपाल को सूचित करता है, किसी भी मंत्री का कोई निर्णय है बिना मंत्री परिषद के विचारार्थ हुआ है तो राज्यपाल के कहने पर मंत्री परिषद के सम्मुख रखवाने का कार्य भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। उसके बाद आता है विधानमंडल का कार्य संचालन। आप सबको पता है विधानसभा का नेता होता है कौन? विधानसभा का नेता होता है कौन? मुख्यमंत्री। क्यों? जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो विधानसभा में नेता की भूमिका अदा करता है कौन? मुख्यमंत्री। इसके अलावा अगर विधानसभा को विघटित करना है तो इसका निर्देशन भी राज्यपाल को कौन देता है? मुख्यमंत्री देना होता है। सत्रावसान करना है, सत्र को स्थगित करना है, संसद की विधानसभा की विशेष बैठक बुलवानी है, तो ये सारे कार्य वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। जबकि हमारा संविधान ये सारे पावर राज्यपाल को देता है बच्चों, लेकिन वास्तविक भूमिका अदा करता है कौन? आपका कौन? मुख्यमंत्री। आप जानते हैं वो जितने भी सरकारी विधेयक हैं वो सब मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही विधानसभा में रखे जाते हैं। सरकारी विधेयक जो होते हैं उन पर विपक्ष का क्या प्रभाव होगा, विपक्ष के प्रश्नों का किस प्रकार से जवाब तलब करना है, किस प्रकार सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद किस प्रकार उसको पारित करवाना है, ये सारे कार्य करता है मुख्यमंत्री। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री हमेशा ध्यान रखता है विधानसभा में कि उसका बहुमत कैसे बना रहे। इसके लिए अगर मान लो बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन सरकार में तालमेल बिठाता है, तालमेल बिठा करके अपने पक्ष को मजबूत रखता है ताकि उसका और उसकी मंत्री परिषद का अस्तित्व बना रहे। तो यहाँ पर बात यह है कि विधानमंडल के कार्य संचालन में संसद के विधानसभा के सत्रों का आयोजन कब होगा, कब सत्रावसान होगा, विधानसभा को कब विघटित किया जाएगा, विधानसभा के किन किन सत्रों में कौन कौन से सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और किस विषय पर चर्चा पर जोर दिया जाएगा, तो कार्य का जो संचालन किन किन संसदीय समितियों का गठन किया जाएगा, उन संसदीय समितियों को कौन कौन से कार्य सौंपे जाएंगे, ये सब कार्य करता है कौन? आपका मुख्यमंत्री। उसके बाद आता है मंत्रियों के कार्यों की देखरेख। मंत्रियों का विभागों का बंटवारा करने के बाद भी समय समय पर मंत्री के कार्यों की निगरानी करने का कार्य भी मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। मुख्यमंत्री देखता रहता है कि मंत्री ने जो कार्य किया है क्या वो सही है या नहीं है, उसके मार्ग निर्देशन में रहकर ही मंत्री अपना कार्य करते हैं। तो मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का कार्य करते हैं कौन? आपका मंत्री, मुख्यमंत्री। उसके बाद आता है संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य बिठाए रखता है। देखो बच्चों, हर विभाग के मंत्रियों के कार्यों पर निगरानी रखता है, विधानसभा में जितने भी सरकारी विधेयक आने वाले हैं उनको देखता है, सरकार की तरफ से जितनी भी घोषणाएं की जाती है वो मुख्यमंत्री के हाथों में होती है, मुख्यमंत्री ही शासन या सरकार की तरफ से घोषणाएं करता है,
प्रशासन को किस प्रकार से चलाना है उसमें सामंजस्य बनाए रखता है, बार बार में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है ताकि संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य बना रहे, विधानसभा विधान परिषद में सामंजस्य बना रहे। ये कार्य करता है कौन? मुख्यमंत्री। विधानसभा और विधान परिषद में सामंजस्य बिठाने का कार्य भी कौन करता है बच्चों? आपका मुख्यमंत्री करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है सरकार का मुख्य प्रवक्ता। आप जानते हो सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भूमिका निभाता है कौन? मुख्यमंत्री। वो कैसे बच्चों? आप जानते हो सरकार की तरफ से जितनी भी घोषणाएं की जाती है उन सभी घोषणाओं सरकार की तरफ से जितनी भी घोषणाएं की जाएगी उन सभी घोषणाएं करने का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी जवाबदेही किसके प्रति होती है? मुख्यमंत्री पर होती है। सरकार की तरफ से जितनी भी नीतियां या कानून बनाए जा रहे हैं उन सब का उत्तरदायित्व किस पर रहता है? मुख्यमंत्री पर रहता है बच्चों। तो सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करता है कौन? मुख्यमंत्री। उसके बाद आता है बच्चों शासकीय घोषणाएं। मैंने बताया था सरकार की तरफ से जितनी भी शासकीय अनुज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। सरकार की तरफ से जितनी भी घोषणाएं की जाती है वो भी मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। तो शासकीय घोषणाएं करता है। नियुक्ति में भूमिका, आप जानते हो बच्चों आपके जैसे वहां महान्यायवादी होता है यहाँ पर होता है महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, इन सब की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। महाधिवक्ता जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है। राज्य का जो विधि अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता, जो विधानसभा की बैठक में भाग लेता है, कानूनी परामर्श देता है, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। कौन? महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्यों में होता है बच्चों महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति में भी मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करने में भी किसकी भूमिका होती है? मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। उसके बाद आता है संपर्क सूत्र। आप जानते हो राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। मंत्री ने जो भी कार्य किए उसकी सूचना राज्यपाल को देता है, राज्यपाल ने जो आदेश दिया है उसकी सूचना मंत्रियों को देता है, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है। विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। सरकार और जनता के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है कौन? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री तीन संपर्क सूत्रों का काम करता है, राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र बनाता है, सरकार और जनता के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है, विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क का कार्य करता है। इसके अलावा अपने दल को बनाए रखने में भी संपर्क सूत्र का कार्य करता है कौन? मुख्यमंत्री बच्चों। उसके बाद आता है विधानसभा व विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। सरकारी विधेयक में विपक्ष की क्या भूमिका होगी, विधान परिषद में उसको किस प्रकार पारित करवाना है, विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन कब कब आयोजित होंगे, इस सारे कार्य करने का कार्य करता है कौन? मुख्यमंत्री करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है दल में एकता व अनुशासन। आप सब जानते हो बच्चों कि जिस दल का विधानसभा में बहुमत होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सरकार का नेता, शासन का नेता वास्तविक अध्यक्ष होने के बाद भी वो अपने दल का नेता भी होता है, क्योंकि उसे अपने दल में एकता व अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर दल में एकता व अनुशासन नहीं बनाए रखेगा तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा बच्चों। तो दल में एकता व अनुशासन बनाए रखता है और इसके लिए दल में संचेतकों की नियुक्ति करने का कार्य करता है कौन? आपका कौन? मुख्यमंत्री।
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बच्चों, नीति आयोग, नीति आयोग का सदस्य होता है कौन? मुख्यमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जबकि नीति आयोग के सदस्य के रूप में भूमिका निभाता है कौन? मुख्यमंत्री। इसके अलावा अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्य परिषद का जो मेंबर होता है वो भी कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री नीति आयोग का सदस्य होता है, योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा वो जितनी भी सेवाएं हैं राजनीतिक स्तर पर एक मुख्य प्रबंधक होता है कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है बच्चों, ये आपने आज आपने पढ़ा मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। तो एक बार और देख लीजिए, सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, मंत्रियों की नियुक्ति और आवंटन करता है, मंत्रियों से त्याग पत्र लेता है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, राज्यपाल को समस्त सूचनाएं अवगत करवाता है, विधानमंडल के कार्य संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखता है, सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, शासकीय घोषणाएं उसकी तरफ से की जाती है, विभिन्न प्रकार की नियुक्ति जैसे महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में उसकी भूमिका होती है, दोनों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है, विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है कौन? मुख्यमंत्री। इसके अलावा दल में एकता व अनुशासन बनाए रखता है, दलीय संचेतकों की नियुक्ति करता है, नीति आयोग का सदस्य होता है। इसके अलावा बच्चों एक चीज और पढ़नी है आज, आज हमारे भारत में मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री की स्थिति। देखो बच्चों, अगर बहुमत वाली सरकार है, बहुमत वाली सरकार है तो मुख्यमंत्री की स्थिति सुदृढ़ होती है, लेकिन अगर गठबंधन सरकार है, अगर गठबंधन सरकार है तो मुख्यमंत्री की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती जितनी बहुमत होने पर होती है। एक तो मुख्यमंत्री की स्थिति को इस दृष्टिकोण से देखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखना बच्चों, केंद्र में जिस दल का बहुमत है अगर उसी दल की सरकार राज्य में है तो मुख्यमंत्री ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसको वित्तीय संसाधन केंद्र सरकार की तरफ से अच्छे उपलब्ध करवाए जाते हैं, राज्य का विकास भी अच्छे तरीके से होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि अभी केंद्र में आपके बीजेपी की सरकार है, बीजेपी दल का प्रभुत्व है जिसका नेता है नरेंद्र मोदी, जबकि राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की जिसका नेता है अशोक गहलोत। तो विपक्षी पार्टियां होने पर भी मुख्यमंत्री की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं होती है बच्चों। तो अगर हम दो स्थितियों से आकलन करें कि अगर बहुमत वाली सरकार है तो मुख्यमंत्री की स्थिति अच्छी होती है, गठबंधन या साझा सरकार होती है वहां पर मुख्यमंत्री की स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है बच्चों। इसके अलावा अगर केंद्र में सत्ता पक्ष और राज्यों में भी वही पक्ष की सरकार है तो मुख्यमंत्री की स्थिति सुदृढ़ होती है, वरना विपक्षी दल होने के कारण केंद्र सरकार की तरफ से जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो उतनी अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं बच्चों। तो ये है मुख्यमंत्री की स्थिति का आकलन। हमने मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियाँ और मुख्यमंत्री की स्थितियों के बारे में आज बच्चों चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के वीडियोस में हम आपके भारतीय राजनीति की कक्षा 12 के जितने भी टॉपिक्स है बच्चों उन सबको क्लियर करेंगे। आगे के वीडियो आप मेरे ध्यान से देखें, ये ना केवल रीट बल्कि सीटेट एसएससी सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि मैं पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवा सकूं, अच्छी तरह से समझा सकूं, और आगे के वीडियोस में मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकूं आपको। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें ताकि मुझे लगे कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं बच्चों। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, और आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक्स देने हैं, शेयर्स करने हैं। धन्यवाद।